आज हम नया टॉपिक में एक हम कुछ करेंगे डेटा सफिशिएंसी। लेकिन इसके पहले जो हम कर चुके हैं उसके ऊपर क्वेश्चन सब कर लेते हैं। जो बोर्ड में मतलब जो एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 to 13। द फॉलोइंग पाई चार्ट इंडिकेट द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंट्री ऑन वेरियस वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर। किसी देश के किसी एक पर्टिकुलर साल साल में खेलों पे जितना स्पोर्ट्स हुए हैं उस पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 से 13 के लिए इसको स्टडी करने हैं और आपको बताने हैं। इसमें आपका फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, दूसरे मतलब अदर्स, बास्केटबॉल, क्रिकेट और गोल्फ, ये सब के आपको दिए हुए हैं। अब आपके सामने क्वेश्चंस है इसको आपको 9 से लेकर 13 तक, तो 9, 10, 11 करवा फिर मैं इसको ऊपर कर दूंगा। मेरी आवाज सबको आ रही है? ये आपका 15% है, अगर दिखाई नहीं दे रही तो। ये 15% है, ये भी 15% है, और ये आपका टेनिस सबका 10% है, अदर सबका 10% है, बास्केटबॉल आपका 12% है, गोल्फ जो आपका 12.5% मतलब 12.5% है, 12.5% है, और क्रिकेट आपका 25% है। फिर रेशियो क्या हो गया आपका फुटबॉल और हॉकी, तो बहुत इजी आंसर सबका आ गया है। वेरी गुड। अब देखते हो गए कितने आसान क्वेश्चन था, 1:1। आगे आगे करें, टेंथ का 11 को बताएं। नाइन्थ का तो हो गया, टेंथ का बताएं, टेंथ का, इलेवेंथ का। होगा 10 के लिए 12.5% मतलब 25/2 हो जाएगा, 25/2 12.5% मतलब। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आंसर दिया जाएगा। परसेंट का मतलब होती है सर 100। बास्केटबॉल आपने 12% बताया ना, 12.5 नहीं बताया, इसीलिए तो आंसर नहीं आ रहा सर। आपने 12% बताया, वो क्लियर नहीं दिख रहा था। अच्छा, सॉरी सॉरी सर इसीलिए वो मैच नहीं कर रहा था आंसर। सॉरी सॉरी। क्रिकेट में कितने 25% है, तो 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 12 का करें,
कल का 20 बिल्कुल सही है। कितने इजी क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन में कुछ देते ही नहीं है वो। फिर आप 12 के बाद 13 करें। परसेंटेज से सबको पता है, देखना उसको भी ना आपको। ओके ठीक है, थर्टीन का ए एग्जैक्टली। एक बार आप माइक खोल के बताएं कि ए कैसे पाया आपने, डॉक्टर विश्वनाथ जी। मैं बताऊं? हाँ जी बताएं। क्रिकेट और हॉकी का, हॉकी का दोनों का फर्क करेंगे तो 40% आएगा कोई और है जिसका जो इस तरह से नहीं लाए, या ये लॉजिक से अलग कुछ लाए होंगे, सब लाए होंगे। तो आपने देखा कि 13 का ए होगा, तो सही है, वेरी गुड। अब आप करें फोर्टीन फिफ्टीन कर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे मन का भी क्वेश्चन है। मैं बड़ा कर देता हूँ, दिख रहा है कि मैं कुत्ते बहुत भौंकते हैं सर आपके यहाँ पर, कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, जा रही आवाज कर रहे हैं। कुत्ते की आवाज में कुछ नहीं कर सकता, तो मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ और कुत्ते तो रास्ते पे है, मैं मेरे उससे कोई कंट्रोल नहीं है। कितना दिया आपने, 13 का हो गया, ठीक है 14 15 करें। कुछ भी नहीं है, खाली एकदम ग्राफ सब क्रिएट करनी है। इन द ईयर 2000 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज earned maximum percent profit, simple है। देखो पहले ग्राफ को पहले स्टडी करो, कब करनी है 2000 में। इस ग्राफ में तो थोड़ा सा आपको दोनों ब्लैक कर दिया गया, एक्चुअली क्या होता है कि डिफरेंट कलर से देखते हैं, एक ब्लू एक ब्लैक ऐसे, या एक ब्लू एक ग्रीन ऐसे, या रेड और वाइन आपका कुछ और कलर। सर ग्राफ समझ नहीं आ रहा सर, यहाँ पे दिया होता है ये देखो, ये आपको दिया हुआ है सिंबल, इसका ये जो दिया होती है इसका मतलब होता है कि सिंबल जो गोला बना हुआ है वो किसके लिए, 2000 के लिए है, और जो बीच में रेक्टेंगल बना हुआ है वो किसके लिए है, 2021 के लिए। तो यहाँ जो गोला बना हुआ है ये ग्राफ किसके लिए है, 2000 वाला के लिए है, और जो रेक्टेंगल बनी हुई है ये किसके लिए है, ये पूरा नीचे वाला जो ग्राफ आ रही है वो आपका है 2001 के लिए। फोर्टीन का आंसर डी है, और आप देख रहे होंगे 15 का भी आंसर क्या है आपका, ए। एक क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से कर लोगे। मैं आपको चीज नया चीज बता रहा हूँ जो बहुत आपको अच्छा लगेगा, मतलब करके आपको माइंड एकदम पूरा फ्रेश हो जाएगा। यह है डेटा सफिशिएंट, डेटा सफिशिएंसी। इसको हम बाद में, अभी जो पेपर हमने किया पेपर हम फिर से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों का रुचि बन जाए इसके लिए। डेटा सफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपके पास एक स्टेटमेंट दी जाएगी और उसका कुछ कंक्लूजन दिया जाएगा, आपको खाली बताना यह है कि जो डेटा दिया गया है वो सफिशिएंट है कि नहीं है उसको बताने के लिए। तो इसका पूरा नाम है डेटा, ये उससे भी ज्यादा लॉजिकल है, जो जो जितना आपने आज तक किया उससे सबसे ज्यादा लॉजिकल ये चीज़ है। डेटा सफिशिएंट है कि नहीं है, एक छोटे से बात मैं बताता हूँ। चलो आप लोग, अभी मैं आपको जो बताऊंगा पूछूंगा तीन ऑप्शन में से, पहला ऑप्शन आपका ये होगा जो मैं बताऊंगा,
जो भी आपको मैं कुछ क्वेश्चन या कुछ स्टेटमेंट दूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है, आपको पता चल जाए उस डेटा से, तो आप आंसर दे दो, आंसर कर दो। जैसे कि मान लो मैंने पूछा कि 2 + 3 कितना होता है, आपको एग्जैक्ट आंसर पता है 5, तो आप उसका 5 लिख दो, आपको आंसर कर दो कि अगर आपको आंसर आप कर पा रहे हो। दूसरा ऑप्शन में क्या है कि आप ये बता दो कि डेटा जो जो भी डेटा दिया गया उससे आप नहीं निकाल सकते। अगर मैंने बोला कि आज मैंने मान लो कि हमने बिरयानी खाया और मैंने उससे पूछा कि मैं बोलो मैं कितने बजे सुबह उठा था, तो बिरयानी खाना बिरयानी तो खाया ये एक अलग बात है, लेकिन मैं सुबह कितने बजे उठा था ये मेरे बिरयानी खाने से नहीं पता चल सकता। फिर क्या बोलोगे आप, डेटा इनसफिशियंट है, क्या आप इसका आंसर दे दोगे नॉट सफिशियंट डेटा या नॉट सफिशियंट आते हो? सर एक बार ही कमेंट्स पढ़ लो। क्या हो गया? सर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, मैं भी बता रहा हूँ ना, मैंने अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि आपसे कहा जाए कि ए और बी दो सिटी है, और आपसे कहा गया कि ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए आपका ए टू बी आपका है 200 किलोमीटर है सपोज करें, और बी से लेके सी दो सेकंड शहर है आपका बी टू सी, इसका डिस्टेंस आपका है 500 किलोमीटर है, तो क्या आप मुझे एग्जैक्ट आंसर बोल सकते हो कि ए से सी कितने किलोमीटर के दूरी पे होंगे? ए टू बी 200 किलोमीटर है, ए बी सी तीन शहर है सिटीज है, ए टू बी कितनी है 200 किलोमीटर है, और बी से सी कितनी है आपका 500 किलोमीटर है, तो आप बताओ ए से सी कितना होगा? क्या आप एग्जैक्ट आंसर कह सकते हो? बताओ क्वेश्चन है, ए टू बी तीन शहर है ए बी सी, ए से बी 200 किलोमीटर है और बी से सी 500 किलोमीटर है, तो ए से सी का एग्जैक्ट डिस्टेंस कितनी होगा? अगर आप सॉल्व कर सकते हो हाँ या ना भी बताओ, अगर कर सकते हो तो आंसर लिखो, नहीं कर सकते तो नो लिखो। आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए, दूसरा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि और भी कोई आंसर आ सके, एक ही आंसर आना चाहिए, तब आप आंसर लिखो, और अगर आपको लगता है कि नहीं निकाल सकते तो आप नो लिखो। लेकिन आंसर सब दो तभी आपको ग्रोथ होगा, जो मैं बताना चाहता हूँ आप सीख पाओगे, बहुत अच्छी चीज है, अभी मैं बताऊंगा आपको इसका जो लॉजिक आपको देखोगे कितना अच्छा लगेगा। आंसर सबको दो, या तो आंसर दो अगर निकाल सकते हो, नहीं तो नो लिख दो। और जिन्होंने नो लिखा सर पूछूंगा कि क्यों नो लिखा आपने। ठीक है, अब मैं एक सेकंड दे दिए मैंने समय। सात सौ दो सौ सम कर देंगे, नो 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 नहीं 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 आशाना नहीं। ठीक है प्रवीण जी, आप बताए 200 कैसे आया? मैंने बोला ए से बी 200 किलोमीटर है और बी से सी 500 किलोमीटर है, तो हमें ए से सी निकालना है, ए टू सी फाइंड करना है, तो ए टू बी तो 200 किलोमीटर है ही ऑलरेडी, हमें ए टू सी निकालनी है, आप 200 किलोमीटर कैसे बताए ए टू सी के लिए? देखो भावना जी आपने नो क्यों बोला, आप क्यों नहीं निकाल सकते बताओ माइक खोल के। हाँ मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि कैसे इसको निकालूं मैं, यानी आपको तीन शहर है कि किस तरीके से मुझे ऐड करना है या क्या करना है, मुझे क्लियर नहीं है इसमें। इस तरीके का ए से बी 200 किलोमीटर है और बी से सी 500 किलोमीटर है, हमने ए से सी पूछा है, तो ये तो ऐड करके भी कर सकते हैं ना, कुछ लोगों ने दिया है ऐड करके कि 700 किलोमीटर दे दिया आंसर। विभा जी आपने 700 दिया है, आप बताओ कैसे आपने कैसे पाया 700 किलोमीटर? अभी आपको बहुत ट्विस्टिंग आगे गया है,
सर अगर ये लाइन में होंगे लीनियर इक्वेशन के टाइप से तो ऐड करके, और अगर किसी और डायरेक्शन में हुआ तो फिर नहीं हो पाएगा, मतलब इसलिए कंफर्म नहीं है। तो अपन नो लिखना चाहिए उस समय सर, पहले उसके बाद सर नो भी लिखा इसीलिए कि एक आंसर नहीं कई आंसर हो सकते हैं। मैंने बोला एग्जैक्ट आंसर है तो ये नहीं बताया गया है कि ए बी सी का सीक्वेंस नहीं बताया गया है कि ए बी एस। अगर मान लो आप अभी जो बता रहे हो वो भी आपका अपूर्ण है, अभी जो आपने युक्ति बताया ना कि डिफरेंट डायरेक्शन पे वो भी अभी युक्ति इसका अपूर्ण है। अगर ए बी सी, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ए के बाद बी है और बी के बाद सी है, ऐसे ए के बाद बी है और बी के बाद सी है, तब तो आप कह सकते हो कि हाँ आपका मतलब 200 या 500 कर दोगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, मान लो कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पे ए ए के बाद बी है और इधर सी है, तब बोलोगे ये 200 है ए टू बी और ये 500 है, तब बोलोगे कि ए टू सी कितना हो जाएगा, आपका 700 हो जाएगा। लेकिन अगर यही सीक्वेंस अगर चेंज कर दे ए से सी अगर यहाँ रखते हैं, बी अगर यहाँ रखते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, ए टू बी पूरा आपका मतलब चेंज हो जाएगा, बी टू सी 500, बी टू सी कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा, इधर हो जाएगा बी टू सी, और फिर आपका ए टू सी आपका क्या हो जाएगा 200 किलोमीटर, यानी कि ए डायरेक्शन का चेंज हो जाएगा, वेक्टर में आ जाएगा वो। और अगर ये क्लाइंट पे ना हो, मान लो अगर ऐसे होता है ए बी सी, तो फिर कैसे बनेगा, ए टू बी और बी टू सी, ए से बी कितनी है आपका 200 किलोमीटर है, बी से सी कितनी है 500 किलोमीटर है। हम जानते हैं कि किसी ट्रायंगल के दो साइड का सम हमेशा थर्ड से ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, थर्ड साइड क्या होगा, दोनों साइड का सम से कम होंगे, तो ये आपका लेस देन क्या हो जाएगा आपका, दोनों को ऐड करके कितना 700 आएगा ना, तो ये लेस देन 700 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के साइड से। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं इसमें, अभी मैं आपको शेयर करता हूँ इसका क्वेश्चन, आप इसको आंसर दें। यह है जिस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यह है द क्वेश्चन गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ आपका ये क्वेश्चन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। यू हैव टू डिसाइड इफ दिस स्टेटमेंट आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन, आपको डिसाइड करनी है कि क्या ये डेटा जो है सफिशियंट है कि नहीं आंसर देने के लिए। आंसर वन कब करनी है, अगर स्टेटमेंट वन अगर अकेला अगर सफिशियंट है आंसर देने के लिए, लेकिन स्टेटमेंट टू नहीं है, और आंसर सेकंड कब देनी है आपको, अगर स्टेटमेंट सेकंड सही है सफिशियंट है आंसर देने के लिए, लेकिन स्टेटमेंट वन जो है वो सफिशियंट नहीं है। थर्ड कब देनी है आपको, जब आंसर वन, जब आपका वन और टू दोनों एक साथ दे करके, मतलब यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम वन एंड टू टुगेदर, ऑल दो नीदर स्टेटमेंट इज सफिशियंट, मतलब आप दोनों को कंबाइन करके आंसर दे सकते हो, एक से नहीं दे सकते हो। और ऐसे फोर्थ क्या है आपका, आप अलग अलग भी आंसर दे सकते हो, मतलब स्टेटमेंट वन से स्टेटमेंट टू से। और फिफ्थ क्या है आपका, कि दोनों का ही यूज करके आप आंसर दे नहीं सकते। जैसे एग्जांपल क्या है, ए इज द क्वेश्चन, देखो इज ए द फादर ऑफ बी, क्या ए इज ए द फादर ऑफ बी, क्या ए बी का पापा है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट आपको देखना है कि ए इज द फादर ऑफ एक्स एंड एक्स इज द मदर ऑफ बी, आपको तय करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर खाली फर्स्ट से निकल सकता है। अगर ऐसा है तो आप बोलोगे ऑप्शन ए सही, वन सही है, यहाँ पे ऑप्शन वन सही है। आप डिसाइड करोगे फर्स्ट की नहीं, खाली सेकंड से निकल सकती है, अगर ऐसा आता है तो आप बोलोगे ऑप्शन टू सही है। अगर आपको लगता है कि दोनों कंबाइन करके आंसर निकलेगा, आंसर निकलने की जरूरत नहीं है, खाली आपको बताने की आंसर निकल सकता है कि नहीं, हाँ कि ना। अगर आप हाँ या ना भी पहुंचते हो, बस उतना ही काफी है, इसमें आंसर आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, तो आप बोलोगे ऑप्शन थ्री सही है। और अगर आपको लगता है कि मतलब अकेला अकेला ही, मतलब वन से भी निकलती है, निकल सकता है, सेकंड से भी निकल सकती है, तो आप बोलोगे डी सही है। अगर दोनों ही मिला के अगर आंसर नहीं निकल सकता, तो आप बोलोगे पांचवा सही है। अब आप बताओ
इज ए द फादर ऑफ बी, क्या ए बी का पापा है, ये क्वेश्चन है। और दो बातें क्या, इन दोनों बातें का सच मानोगे आप, जो आपका स्टेटमेंट दिया गया ए इज द फादर ऑफ एक्स, ए जो है एक्स का पापा है और एक्स इज द मदर ऑफ बी, एक्स जो है वो बी का मम्मी है, तो आप बताओ क्या लोगे, आंसर किसका आया है। ओके क्वेश्चन, आंसर इसमें निकालना नहीं है आपको, खाली ये बतानी है कि ये दोनों मिला के आपको आंसर तक पहुंच सकते हो या नहीं पहुंच सकते। बहुत ट्विस्टिंग क्वेश्चन इसमें आता है पड़ता है। आप देखते हो अगर दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, तो हम इससे आंसर पा सकते दोनों मिला करके, तो क्या होगा ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन सी बोलता है क्या बोला है, इफ यू कैन गेट आंसर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर ऑल्दो नीदर स्टेटमेंट सफिशिएंट बाय इटसेल्फ, मतलब दोनों मिला के आप आंसर पा सकते हो, ए इज द फादर ऑफ एक्स एंड एक्स इज द मदर ऑफ बी, दोनों मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, आंसर क्या नो, मतलब ए बी का पापा नहीं है ग्रैंडफादर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा मेरा चैट बॉक्स उठाओ ऊपर दिख नहीं पाता। सेकंड क्वेश्चन का आपका कितना आंसर दीजिए आपने, सेकंड का थ्री, सेकंड का भी थ्री है, नाइस। एक बात तो है आप लोगों का लेवल बहुत है, सारा का सारा एकदम सही से आंसर देते हैं, खुशी हो जाती है। थर्ड का बता दो, थर्ड का कितना है आपका, थर्ड का थ्री, विभा जी एक मीनाक्षी जी आप थर्ड का थ्री बता रहे हो ना, थर्ड का थ्री बता सर, एक बार समझाओ कैसे, सर ने पूछा ए इज टॉलर देन बी एंड ए ए इज टॉलर देन सी, दो थी आपने लिखा है, हु इज द टॉलेस्ट अमंग ए बी सी, तो उसमें डिस्क्राइब नहीं किया है, बस डायरेक्ट बोल दिया कि ए इज टॉलर देन बी, ए इज टॉलर देन सी, डिस्क्राइब नहीं है सर, नहीं ये क्वेश्चन ये है कि हम दोनों मिला के आंसर पा सकते हैं कि नहीं पा सकते, पूछा है कि हु इज द टॉलेस्ट अमंग ए बी सी, क्या हम इन दोनों को अप्लाई करके हम ये पा सकते हैं कि कौन टॉलेस्ट है ए बी सी में, यस सर, अगर पास ना जो पांच पॉइंट है ना आप मुझे फिर खुद दिखा दीजिए एक बार, वैसे अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं तो मैं वैसे बता दूं, इसको आप एक बार नोट कर लो क्योंकि मैं नीचे जाऊंगा तो ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके सर, सेकंड वाला के लिए नहीं, सेकंड वाला के लिए नहीं, सेकंड वाला सर सुनती सर, इसमें बताया गया है सर ए इज फादर ऑफ बी बोल रहा है, तो सर जो बी और सी है जो दोनों भाई भाई हुए ना, सर उनका फादर ए हुआ, सर ये लास्ट वाला सही है ना, फिफ्थ वाला, सेकंड वाले में आपको आंसर इस क्वेश्चन का ये जो डेटा सफिशिएंसी का मतलब ये होता है, आपको आंसर नहीं निकालना है, आपको खाली बताना ये है कि हम क्या आंसर निकाल सकते हैं, जैसे ए इज द फादर ऑफ बी, क्या ए बी का फादर है, ए बी का फादर हो या ना हो, आपको खाली ये बतानी है कि आप आंसर तक पहुंच सकते हो कि नहीं हो, नहीं सकते हो, चाहे ए का अगर आपको ये लगता है कि हाँ ए बी का फादर है तो भी आप आंसर तक पहुंच गए, और ए बी का फादर नहीं है तो भी आप आंसर तक पहुंच गए, अगर आप आंसर तक पहुंच सकते हो, डेटा सफिशियंट है जो दोनों चीजें दी गई है, तो आप खाली आपको आंसर देना नहीं है कि आप ए बी का फादर है कि नहीं, ये नहीं पता नहीं है, बताना ये है कि आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते हो, तो इसमें आप अगर अप्लाई करोगे डेटा को तो इससे क्या हो जाएगा, ए इज द फादर ऑफ सी एंड सी इज द ब्रदर ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा कि दोनों को कंबाइन करोगे
तो क्या हो जाएगा, ए इज द फादर ऑफ बी, ये भी आ सकता है, ये है, लेकिन आपको दोनों को जब कंबाइन करता तब मिलता है ना ए इज द फादर ऑफ बी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा, क्योंकि खाली ए इज द फादर ऑफ सी से नहीं आएगा और सी इज द फादर ऑफ बी से भी नहीं आएगा, दोनों मिलाओगे तो आएगा। तो थर्ड क्या बोलता है, इफ यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर, अगर आप आंसर पाते हो दोनों को मिला करके, दोनों स्टेटमेंट को क्या बतानी है, although neither statement is sufficient by itself, मतलब एक-एक से नहीं निकाल सकते, A is the father of C, इसे नहीं निकलेगा, C is the brother of B, इससे भी नहीं निकलेगा, जब दोनों को कंबाइन करोगे तब निकलेगा, तो इसलिए आंसर इसका सी सही है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया, क्योंकि मैं नीचे जाऊंगा तो जैसे आपका जो डायरेक्शन आपको जो है लिखा गया पांचों ऑप्शन आपको दिख नहीं पाएगा। सर इसमें दोनों ही स्टेटमेंट फॉलो करनी पड़ती है क्या, मतलब अगर एक ही स्टेटमेंट से नहीं निकलेगा तो फिर हम क्या आंसर लगाएंगे? पांच में से मैं बता रहा हूँ फिर से आपको, अगर आपको लगता है कि एक ही स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं निकलेगा ना सर कभी भी, निकल जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें एक स्टेटमेंट से भी निकलेगा, आपको सारा ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, अभी आपको ये ऑप्शन दिया गया, अभी तो आप एक दो क्वेश्चन किए हो ना, अभी करने दो, अभी आपको मिलेगा। आपको अगर इसमें आपको देखना है कि खाली अगर एक स्टेटमेंट से निकल जाती है तब भी आप खाली, अगर फर्स्ट से निकलती है सेकंड की जरूरत नहीं है तब बोलोगे ऑप्शन वन सही है। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, अगर पहला स्टेटमेंट से निकलती है दूसरे की जरूरत नहीं है तो आप बोलोगे आंसर ऑप्शन वन सही है, अगर दूसरे से निकलती है पहले से जरूरत नहीं है तो बोलोगे ऑप्शन टू सही है, अगर दोनों की जरूरत है तो बोलोगे ऑप्शन थ्री सही है, और अगर मान लो कि वन से भी निकल सकता है और टू से भी निकल सकता है अलग अलग करके, इफ स्टेटमेंट वन इज अलोन सफिशियंट एंड स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशियंट, दोनों की जरूरत नहीं है लेकिन अलग अलग वन से भी निकल सकता है टू से भी निकल सकती है तो फोर्थ बोलोगे, और अगर दोनों को मिलाने पर भी आंसर ना निकले तो आप फाइव बोलोगे। अब आप आ जाओ, सारे तरह के क्वेश्चन होते तभी आपको दिया गया है, अगर आपको लगता है कि चलो मैं आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको उसमें से बताता हूँ कि आप एक काम करो, आप करो क्वेश्चन नंबर सिक्स करो तो आपको क्लियर हो जाएगा, सिक्स करो। What is the age of Mona? Mona के age क्या है? Mona's mother is 30 years old. Mona is much younger than her mother. तो क्या इससे आप Mona के age निकाल सकते हो? Exactly. इस तरह से आपको देखते हैं कि दोनों मिला के बीच आपका आंसर नहीं आती है। ये आपका five option सही हो जाएगा। अब मैं आपको ऐसा question दिखाता हूँ जिसमें से आपको दूसरा option कोई आपको सही है। आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर ये करो 28 का करो, क्या बोलते हैं देखो, इज द प्राइस ऑफ ए पेन इज रुपीज 18, क्या इस पेन की कीमत 18 रुपए है? अब स्टेटमेंट पढ़ो, अगर आप लोग पांचवा कैसे बोल रहे हो, कोई इफ टू पेन सुधीर बॉट कॉस्ट रुपीज 34, अगर दो पेन की कीमत अगर 34 रुपए होते एक पेन की कीमत नहीं निकाल सकते हैं, वो पांचवा तब करोगे जब दोनों से आंसर ना निकले। सर जब दोनों फॉलो नहीं कर रही तब कौन सा आंसर होगा, ये दोनों फॉलो नहीं कर रही है स्टेटमेंट, दोनों फॉलो नहीं करेगा तो पांचवा होगा, लेकिन क्यों नहीं करती है
सुधीर बॉस सर मैं बता देती हूँ आप थोड़ा सा इसको हाँ मैं बता देती हूँ, वो ये कह रहा है कि सुधीर ने जो दो पेन खरीदे उसका कॉस्ट उसने 34 रुपीज बताया, अगर हम इसको आधा भी करते हैं तो भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो पेन अगर आधा करेंगे तो 18 रुपए का तो नहीं बैठेगा, 17 रुपए का बैठेगा। और जो सेकंड में बताया था प्राइस ऑफ ए पेन इज अ नंबर विच इज प्राइम, तो प्राइम नंबर तो 18 है नहीं, तो इसलिए सर मैम अभी आप क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये बताता है पूछता क्या है, ये कभी नहीं पूछा है कि 18 रुपए है कि नहीं है, आपने क्या बोला 17 रुपए है, तो आपने आंसर तक पहुंच गया ना, डेटा सफिशिएंसी यही बताता है कि आप आंसर तक पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो, ये बिल्कुल नहीं पूछ रहा है, ये नहीं बोला कि 18 रुपए है कि नहीं है, ये पूछ रहा है कि क्या आप इसका आंसर पा सकते हो हाँ या नहीं में, कि क्या पेन के प्राइस 18 रुपीज है, आपने खुद बताया कि 18 रुपीज नहीं है, तो आपने आंसर पहुंच गया ना, आंसर तक ही पहुंचना होता है, ये नहीं अच्छा 18 रुपीज है ही, ऐसा नहीं बोल रहा है, पूछ रहा है कि 18 रुपीज है, इसके आंसर आप यस या नो तक पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते जो डेटा गिवन है, तो आपने आंसर तक पहुंच ओके सर, आपने बोला कि 17 रुपए की, तो आपने आंसर तक पहुंचा ना कि नहीं है, मे बी सर 17 हो सकता है, या अगर दोनों प्राइस तो मतलब या तो एक लोग बोलो या तो मैसेज कर दो, क्योंकि अगर सब लोग बोलोगे तो हर कुछ हो जाएगा। हाँ क्या बोला आपने? मैंने बोला सर कि अगर दोनों का प्राइस सेम होगा तभी डिवाइड करके उसका प्राइस निकाल सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं निकाल सकते, ये तो हमने एज्यूम कर लिया ना कि हाँ दोनों का प्राइस सेम है तो हमने 17 17 लगा लिया उसका। अगर 2 पेन बोला है तो ये आइडेंटिकली मानेंगे, अगर 2 पेन बोले हैं तो आइडेंटिकली मानेंगे, और इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 28 के लिए 4 होगा, क्योंकि अगर आपका एक प्राइम नंबर है 17 एक प्राइम जो नंबर है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो अगर वो प्राइम नंबर होगा, हालांकि प्राइम नंबर बहुत से हो सकते हैं लेकिन जो नंबर होगा वो एक प्राइम नंबर होगा, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, और 34 अगर दो पेन का कॉस्ट है वो उसको आप आइडेंटिकली मानोगे तो उससे भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन 4 इसका सही होगा। अब आप करो इसका बताओ, 34 का बताओ, कोई अननेसेसरी कमेंट ना करे, सिर्फ खाली आंसर से करे, सबको आंसर देना है, सभी को आंसर करनी है। 34 का कितना होगा आंसर, क्या बोलेंगे आप? 1 2 3 4 5 विभा जी 1 बता रहे हैं, बाकी लोग भावना जी 4 बता रहे हो, 34 तो 4। फोर का सही होगा, 6 इज नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 16, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज नॉट इक्वल टू 16, स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज नॉट इक्वल टू 16। ये तो लॉजिक लगता ही नहीं है इसमें, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट मान लो अगर 4 होता है सपोज करो, तो आप बोलते सही है, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट कभी आपका 16 का स्क्वायर रूट कभी 4 नहीं हो सकता ना, 16 का स्क्वायर रूट कभी 4 नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज नॉट इक्वल टू 16, तो हमें रिवर्स में तो जाना नहीं है, हमें चेक करना फॉरवर्ड ही करनी है, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है,
आपका जो है स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज नॉट इक्वल टू 6 इज ऐसे था आपका स्क्वायर ऑफ 6 इज नॉट इक्वल टू 16 क्योंकि अगर आप दोनों का स्क्वायर करोगे इससे आप निकाल सकते हो कि अगर 6 दिया हुआ है मान लो दोनों का स्क्वायरिंग करते हो तो 16 इज नॉट इक्वल टू 36 तो ये हो जाएगी। और दूसरा क्या बोला है कि स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज नॉट इक्वल टू 16 तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 अगर करते हो इज नॉट इक्वल टू 16 करते हो तो ये आपका मैथमेटिकल लॉजिक बनती नहीं है क्योंकि आपका ये आपका फॉरवर्ड डैश में जाता है कि अगर रूट अगर निकालोगे इसका इसका बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था इसका आंसर 1 होगा। सेकंड से आप आंसर पा नहीं सकते क्योंकि ये मैथ्स का कोई रूल ही नहीं होता कि अगर आप रूट 16 को चेक करोगे 6 है कि नहीं वो ठीक है लेकिन रूट 6 जो है वो 16 होगा कि नहीं होगा उससे ये आपका नहीं होता मतलब रूट निकालने के लिए इसको हम चेक नहीं करते तो ऑप्शन 1 सही होगा। ओके तो आप करो ये करो 37 करो 80% 37 करिए। थ्री 37 का 3 किसने बोला कृष्णा जी आप 3 बोल रहे हो क्या? हाँ सर क्योंकि एक ट्यूसडे अगर हो भी तो रेन होगा कि नहीं ये नहीं बता सकते और समटाइम्स इट रेन्स समटाइम्स नॉट तो आपको ऑप्शन में क्या है कि एग्जैक्टली आंसर तक पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते अगर हाँ तभी आप बोलोगे इन दोनों को कंबाइन भी कर दोगे तो क्या आप कह सकते हो कि ट्यूसडे को रेन होगा ही अगर एग्जैक्टली पहुंच पाओगे तभी आपको आंसर बोलनी है मतलब दोनों मिलाकर आपका आंसर तो पहुंचनी है होगा ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए आपको रेन होना ही होना होगा अगर दोनों का अगर आप तीन बोलोगे तीन क्या बोलते वो तो डे तो फिक्स हो गया और होता है मतलब पॉसिबिलिटी बताइए ना पॉसिबिलिटी बताए एग्जैक्टली क्या बताइए आपको जैसे मान लो कि हम बोलते हैं कि सावन के मौसम में बारिश होता है लेकिन आपका दिसंबर में नहीं होता है मतलब ये आपका एक पॉसिबिलिटी है लेकिन ऐसा कोई कह सकता है कि होगा ही नहीं ये क्या बोल रहा है कि अगर थर्ड तब करोगे इफ यू कैन गेट आंसर 1 और 2 दोनों को मिला के आपको एकदम 100% श्योर आंसर होना चाहिए ये एक पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि ट्यूजडे का रेन होता है तो इस बार भी हो सकता है लेकिन ये 100% नहीं है कि होगा ही होगा। इज इट गोइंग टू रेन टुमारो या कल बारिश होगा टुमारो इज ट्यूजडे कल आपका मंगलवार है sometime, sometime का मतलब क्या है नॉट एवरी टाइम ये मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर आपका ट्यूजडे का होगा ही होगा इन दोनों मिलाकर के हम आंसर नहीं पा सकते तो आंसर इसका 5 हो जाएगा। यही यहाँ पे आपको माइंड को शार्प करता है बेहद आपको सूक्ष्म लेवल पर जाके सोचना पड़ता है। ये करिए 41 लास्ट क्वेश्चन है ये हम कुछ और करेंगे। क्या देंगे 41 के लिए 5 5 5 5 5 Are merchants greedy? क्या व्यापारी लालची होते हैं? Some merchants are money minded. All money minded are greedy. जिन्होंने 3 दिए हैं उन्हें एक्सप्लेन करें क्यों कौन करेंगे मीनाक्षी जी भावना जी रश्मि जी तो नहीं किए हैं मीनाक्षी जी भावना जी किए हैं बहुत ही आप ही बोल रहे हो ठीक है भावना जी बोलो आप आपने 3 कैसे किया आपने इसमें ये सम मर्चेंट्स आर मनी माइंडेड तो मतलब जो कुछ मर्चेंट है मनी माइंडेड होते हैं और
ऑल जो मनी माइंडेड है वो ग्रीडी होता है इस बेसिस पे. आपको तुक्का नहीं मानना है, आप पहले समझो चीजों को क्या बोल रहे हैं इसमें. कि आप अगर डायग्राम ही बनाओगे ना तभी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे आपका ब्रेन बहुत शार्प होता है. देखो क्या बोला है, अगर हम इसको वेन डायग्राम बनाते सम मर्चेंट है मनी माइंडेड, जैसे इसको वेन डायग्राम बनाते हैं, ये आपका मर्चेंट करते हैं इसमें एम आर एम मतलब मर्चेंट हो गया, और ये हम कहते हैं मनी माइंडेड कर दिया हमने, एम एम कर दिया मतलब मनी माइंडेड. तो क्या बोला इसमें, सम मर्चेंट्स आर मनी माइंडेड, ठीक है, ऑल मनी माइंडेड आर ग्रीडी. तो ऑल मनी माइंडेड का हम ऐसा क्या जाएगा, डायग्राम ऐसा बनेगा, ये भी बन सकता है ऐसा. तो इसका मतलब क्या, कुछ तो होंगे ना मनी आपका जो मर्चेंट होंगे जो ग्रीडी, रियल लाइफ ऐसा होता भी है, कुछ हो भी सकते हैं, ये आपका ये की है कि कुछ हो भी सकते हैं, ये एक डायग्राम बन सकता है. दूसरा डायग्राम कैसे बन सकता है, आपका मर्चेंट हो गया और ये मनी माइंडेड हो गया, और मनी माइंडेड ग्रीडी में हम ऐसा ले लिए पूरा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम दोनों में से एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते. आपका आंसर निकालना नहीं है, आपको बताना ये है, अगर हम ये डायग्राम वन कर दिया हमने, इसको हमने टू कर दिया, अगर हम टू से लेंगे तो क्या होगा, हमें लगता है कि सारा मर्चेंट क्या है, आपका ग्रीडी है. अगर वन से लेंगे तो क्या दिखेगा, सारा मर्चेंट ग्रीडी नहीं है, मतलब दोनों मिला के हम आंसर नहीं निकाल सकते. ऑप्शन क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा. सर यहाँ पे तो ऑल मर्चेंट्स नहीं लिखा है ना, ऑल मनी माइंडेड लिखा है ना, ऑल मनी माइंडेड, तो दो बन सकता है ना, ऑल मनी माइंडेड मतलब कुछ मर्चेंट आपका ना हो, जो मैंने पहले फिगर बनाया मैंने, और सेकंड में क्या हो सकता है कि दोनों को अपना कवर कर ले, मतलब दोनों मिला के हम आंसर एग्जैक्ट तक नहीं पहुंच सकते, एक आंसर तक नहीं पहुंच सकते, दो आंसर हो सकता है. तो आपका डेटा सफिशिएंट नहीं है कि हम एग्जैक्ट एक आंसर तक पहुंच सके. ब्रेन को आपको इतनी ज्यादा शार्प करता है एक एक मतलब एकदम इतना एकदम सही डिसीजन में जाके मतलब लाके दिखा आपको तय करता है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते जाते हो तो. डेटा सफिशिएंसी इतनी माइन्यूट होती है, इसका जो लॉजिक होती है, ऑलमोस्ट मैंने जितने भी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, मैंने सारे बुक्स से मैंने गो थ्रू किया है, और जो लिखने वाले बुक्स होते हैं आपका लेवल तो बहुत ही मतलब यहाँ के तो आपका ये आपका जो यूटीसी का लेवल तो बहुत बेसिक लेवल है, या बैंक पी ओ या दूसरी चीजें जो होती है उसमें बहुत हाई लेवल की होती है, उसमें इतनी बारीक इसमें बातें होती है, इतनी सारी होती है कि अलग अलग बुक्स में सेम आंसर सेम क्वेश्चन का अलग अलग आंसर देते हैं, मतलब राइटर्स में भी डिफरेंस आ जाती है, इतनी बारीक होती है. 100% किसमें, 100% चांसेस कितने नंबर्स में है सर, फर्स्ट सेकंड और पांचवा छोड़ के बाकी सब में हो सकता है आपका, बाकी सब 100% ही होने चाहिए, बाकी सब में बस कंडीशन है कि पहले साल आएगा कि खाली पहले से तो वन बोलोगे, खाली सेकंड से आएगा तो टू बोलोगे, दोनों मिला के आएगा मतलब, लेकिन अकेला दोनों नहीं हो सकता, दोनों मिला के तो थ्री बोलोगे, और अगर पहला भी सही है दूसरा भी सही है तो फोर बोलोगे, दोनों में नहीं सही है तो फाइव बोलोगे, चारों में 100% होना चाहिए. हाँ जी, मतलब आपको आना ही आना चाहिए कि वो होगा ही होगा तभी बोलोगे, या आप इसमें मतलब संभावना नहीं कर सकते, कोई एडजेक्टिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जैसे कोई सुंदर है, कोई सुंदर है कि नहीं आप एग्जाम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जिसको आप सुंदर मानेंगे दूसरे कोई ऐसा नहीं सकता जो होगा जो उसको सुंदर नहीं मानेगा, एडजेक्टिव वर्ड इसमें कोई काम नहीं करता. अच्छा स्पोर्ट्समैन है जिसको आप अच्छा मानोगे 10 लोग अच्छा मान सकते हैं, 1 लोग होगा उसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो सब चीजें नहीं काम करेगा. 43 करो, डज स्मोकिंग लीड टू इल हेल्थ, इसमें जब करोगे आपको अपने प्री नॉलेज का कोई इस्तेमाल नहीं करनी है, जो स्टेटमेंट में दिया गया है खाली उसी से बोलोगे आप कि इससे आप आंसर तक पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते. 43 मेरा वॉइस बाकी सबको आ रही है, डज स्मोकिंग लीड टू इल है, आज का दिन खाले आपको क्वेश्चन समझने में लग गया कि आपने बोला कि नहीं 17 रुपए है 18 रुपए है, आप आंसर तक पहुंचे, आपको खाली आंसर तक पहुंचना है, इसमें आंसर देना नहीं होता है, आपको खाली ये बतानी होती है कि आप आंसर तक पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते हो. देखो एक क्लास खाली लग गया आपको खाली क्वेश्चन का पैटर्न समझने में, तब सोचो कि कितनी ज्यादा बारीक क्वेश्चन इसमें से बनती है, आपको बतानी है, आप इसमें से कोई भी अपना पहले का नॉलेज इस्तेमाल नहीं करोगे कि हाँ कैंसर से तो स्मोकिंग से ऐसा होता है वैसा होता, नहीं, जो स्टेटमेंट दिया गया है खाली उसी से खाली करना है आपको. अकॉर्डिंग टू द सर्वे आउट ऑफ 1000 पीपल सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर
876 आर स्मोकर्स, मतलब एक सर्वे में बताया गया कि 1000 लोगों के पीछे अगर 876 लोग जो आपका कैंसर से आपका जो जो कैंसर पीड़ित है वो स्मोकर्स है। कैंसर इज ए साइन ऑफ इल हेल्थ, आपको बतानी है कौन से आपको ने? ऑप्शन चेक आप लोग जितना हो सके, यहाँ पे कोई गलत बोलता तो कोई इसमें बेइज्जती का कुछ नहीं है या नहीं नहीं किसी का कुछ अपमान होना है, बस आपको ये है कि आप इसको सीखोगे क्योंकि आप सीखने के लिए आए हो। आंसर दो हाँ ना सही गलत जो भी कर दो, लेकिन दो। विश्वनाथ जी आप 5 भी दिए 1 भी दिए, कौन सा लूं? मीनाक्षी जी 3, विश्वनाथ जी आप सब लोग बहुत समझदार हो, लेकिन देखो आप लोग सब में अंतर आ रहा है ना, इसी को यही आपका इसका लॉजिक है। अच्छा ठीक है, जिन्होंने बाकी से आंसर दिए मुझे मुझे खाली एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विभाजी बाकी सॉरी विभाजी ने 3 बोला है और काफी लोगों ने अलग अलग आंसर बोला है। मैंने आपको ये बताया आपको एक कैंसर पीड़ित आपको एक कोई पेशेंट आपके सामने है और आपके सामने डेटा ये है कि सर्वे ये कहता है कि 1000 लोगों के पीछे 876 लोग ऐसे हैं जो स्मोकर्स है। क्या आप उस आंसर उस इंसान को देख के कह सकते हो बिना टेस्ट किए कि वो स्मोकर है कि नहीं है? सर यही तो है, जरूरी तो नहीं जिसको कैंसर है वो स्मोकर ही होगा। तो हम और ये हो भी सकता है नहीं भी सकता है, हम एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं क्या? नहीं सर। और कैंसर इज अ साइन ऑफ इल हेल्थ, मैंने अभी बोला था आपको कि कोई एडजेक्टिव वगैरह का काम नहीं करता। कैंसर अगर आपका कैंसर तो सबके वो तो साइन तो सबके लिए है, तो क्या हर कोई का कैंसर पेशेंट तो नहीं होता ना? कैंसर इज अ साइन ऑफ इल हेल्थ, ठीक है बुरी आपका हेल्थ का आपका प्रतीक होता है, लेकिन बुरी हेल्थ का तो बहुत सी चीज होती है, टीबी भी होती है, बहुत सी चीज होती है, इसका हमारा ये काम ही नहीं करता। पहला जो स्टेटमेंट है उसके जरिए अगर आपके सामने कोई पेशेंट लाके खड़ा कर दिया जाए तो आप ये कह सकते हो कि वो स्मोकर है कि नहीं है, कि उसका आपका स्मोक करने से उसका हेल्थ खराब हुआ है? आप नहीं कर सकते। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा? 5 हो जाएगा सर। इसमें ये नहीं कर सकते जैसे 1000 में से 876 स्मोकर्स है तो हम कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली होगा तभी आंसर आएगा। मैंने आपको पहले ही बोला सर कि आप अगर एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो तभी आप 1, 2, 3, 4 में चूज करो। अगर आप नहीं कर सकते, देखो क्वेश्चन समझने में आपको पूरा यहाँ तक समझ लगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे आंसर नहीं निकालना है, आपको डेटा से डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आप अगर मान लो कि अगर किसी जगह पे टीचर बनोगे, कोई ऑफिसर बनोगे, कुछ भी बनोगे, तो आपके पास एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी तो हमेशा रहती है, आपके घर पे भी रहती है, आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करना होता है और आपका एग्जैक्ट पहुंचना होता है। अगर आपके पास ऐसा मतलब ढुलमुल लोगे तो आप वहाँ पे किसी जगह पे सही चीज को नहीं, मतलब आपका जो राय लिया जाएगा उस राय को आप सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। इसलिए ये होता है कि आप सही डिसीजन को ले सको। आपको बार बार बताया जा रहा है कि सिर्फ आपको ये बतानी है एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते हो, आंसर में पहुंचना भी नहीं है आपको। तो अगर आपके सामने एक कोई कैंसर पेशेंट को खड़ा कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या इसका कैंसर स्मोकिंग से हुआ है, हमें नहीं पता कि स्मोकिंग करता है कि नहीं करता है, तो आप हम कोई भी एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5 हो जाएगा। तो आपने देखा कि डेटा सफिशिएंट से कितनी बड़ी चीज है और कितनी अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा माइन्यूट से माइन्यूट लॉजिक का आपका माइंड का आपको ऐसा शार्प करता है कि जैसे आप जिम में जाकर वर्कआउट करते हैं पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के जैसे आप मतलब एकदम मजबूत करते हो, ऐसे आपका माइंड को एकदम पूरा शार्प कर देता है, बहुत अच्छे से शार्प करता है। ओके हम प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आप सबके अंदर जो परमात्मा है उनको प्रणाम। आप सबका दिन मंगलमय है। आप सबको शुभ रात्रि।
जी विश्वनाथ जी, इस डिफिकल्टी से गेट हेलो सर। हाँ जी बोलो सर। मैं टुमारो ऑनवर्ड्स आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, मतलब कल से 1 वीक तक मैं क्लास नहीं अटेंड करूंगी, मुझे बाहर जाना है। तो अगर मेरी रिकॉर्डिंग्स बाद में सुन के कुछ डाउट हो तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, आप में से कोई भी किसी भी समय मुझे मैसेज कर सकते हो, 24/7 मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई अपने टाइम पे दे दूंगा। और अगर जरूरत हुआ तो मैं आपसे मतलब आप मुझे कॉल से बात भी कर सकते हो, मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि किस समय मैं फ्री रहूंगा, क्योंकि मेरा क्लासेस दिन भर चलती रहती है, मैं बहुत सारे अलग अलग विषय पर क्लास देता हूँ। तो आप मुझे मैसेज कर देना कभी भी, और आपका अगर कोई क्वेश्चन अगर होता है स्पेसिफिक तो आप क्वेश्चन भी डाल सकते हो, मैं उसका आंसर भी करूँगा टाइम निकाल के। ओके सर, थैंक यू सर। विश्वनाथ जी, मैं ये बोल रहा था आपको कि इसी को आपको सही करने के लिए रीजनिंग होती है, जो हमारे जो प्री असम्पशन होती है उसको निकाल करके ब्रेन को शार्प करने के लिए ही होती है, वरना किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसके आंसर तक पहुंच सको ना सको, ये आपको हम सबको इसके लिए करने है। मैंने बहुत साल तक किया इसको और मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप इसके एग्जाम्स के अलावा डेली 1 घंटा करो, आपका ब्रेन इतनी शार्प होगी और आपका मतलब लाइफ बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। अगर आप 80 इयर्स में भी जाओगे और अगर आप 1 घंटा का रोज अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो या अगर एक्सरसाइज करते हो ब्रेन की तरह नए नए क्वेश्चंस करके, तो आपका ब्रेन एकदम 23-24 इयर्स के एकदम लॉजिकल ब्रेन बना रहेगा, आप कितना ही आप एज हो जाए। इसलिए आप इसको जरूर करो अपने आप के लिए, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, खाना खाते, सब कुछ करते हैं, वैसे ही आपको ब्रेन के लिए अपने इसको करो, आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा। मुझे अपना खुद का अनुभव से बता रहा हूँ, मैं 10 साल से ज्यादा टाइम से मैं कर रहा हूँ और मुझे